नमस्कार, मैं हूँ आजल। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। जगत गुरु राम भद्राचार्य का एक और बड़ा बयान, राहुल गांधी और गांधी परिवार पर साधा निशाना विधानसभा और लोकसभा में। दिखा देना है कि सनातन का जो अपमान करेगा वह सरातल में जाएगा। सनातन धर्म को अपमानित करना कांग्रेस की ही मिलीजुली साजिश है। सनातन धर्म पर आंख उठाने वालों को इतना प्रसाद दूंगा कि नानी याद आ जाएगी, राम भद्राचार्य ने कहा। मध्य प्रदेश के शिवनी में तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने शिवनी में रामकथा के दौरान कहा कि देश में सनातन का अपमान कांग्रेस पार्टी की मिलीजुली साजिश है। मैं बीजेपी का एजेंट नहीं हूँ, मैं राम जी का एजेंट हूँ। धर्म का अपमान करने वालों को एक ऐसा प्रसाद दूंगा कि इनकी नानी याद आ जाएगी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के अपमान पर राहुल गांधी चुप रहे, उनसे एक शब्द नहीं बोला गया। इसका मतलब है सनातन का अपमान कांग्रेस की मिलीजुली साजिश है। उन्होंने इस दौरान कहा कि मैं अपील करता हूं कि हिंदुओं को भारत माता की सौगंध है। आने वाले विधानसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में हम दिखा देंगे कि जो सनातन धर्म का अपमान करेगा वो सरातल में जाएगा। उन्होंने कहा कि एक भी वाक्य कह दिया तो राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी ने तो अच्छा लगता है, पर चिंता नहीं। आप लोगों के भरोसे सनातन धर्म नहीं चल रहा है। सनातन धर्म के लिए हमने अपना अपना सब कुछ छोड़ा है। जब तक राम भद्राचार्य का यह सिंहासन रहेगा तब तक सनातन धर्म का बाल भी बाका नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नहीं लड़ रहे, चुनाव भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, बल्कि ये लड़ाई सनातन धर्म और अधर्म की है। हमें देखना है कौन जीतता है। आप चिंता मत करिए, हम जीतेंगे। मेरे पूर्वजों ने राम जी का नमक खाया है, मैंने राम जी का नमक खाया है। जब तक जीवित रहूंगा सनातन धर्म पर आंख उठाने वालों को इतना प्रसाद दूंगा कि उनकी नानी याद आ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।